नमाज, नमाज की हालत, की हालत में टूट तो जाए तो, तो क्या करें? क्या करें? इसकी, इसकी दो सूरतें हैं पहली सूरत तो ये तो है कि अगर कोई शख्स इंफरादी तौर पर नमाज अदा कर रहा है और इंफरादी तौर पर नमाज पढ़ते पढ़ते उसका वजू टूट जाता है तो वो वहाँ से नमाज, नमाज छोड़ेगा छोड़े और जाकर, जाकर वजू दोबारा करेगा और वजू करने के बाद वहीं से आकर जहाँ से नमाज छोड़ी थी, थी वहीं, वहीं से स्टार्ट कर देगा दूसरी सूरत है कि अगर जमात है और ये बड़ी हसास सूरत है क्योंकि ये मसला बहुत सारे अहबाप को या तो सिरे से उनके इल्म और इतराद में नहीं होता और अगर किसी के इल्म में हो भी तो वो शर्म के मारे कुतरा रहता है लिहाजा इस मसले को समझना, समझना बहुत जरूरी है और वो और ये है कि हालत जमात जब नमाज तो जमात खड़ी जमाद है, है तो जमात के साथ, साथ अगर, अगर कोई शख्स नमाज अदा, अदा कर रहा है और वो किसी भी शख्स में खड़ा है और खड़े खड़े इंसान है यकीनी तौर पर ऐसा हो जाता है हवा खारिज हो जाती है वजू टूट जाता है ऐसा मुमकिन है हो जाता, हो जाता है हो सकता है कई लोगों को बीमारी लाइक होती है उसकी वजह से भी हो जाता है और कई किसी इंसान को किसी और वजह से भी हो सकता है तो हवा जाती है वजू टूट जाता है अगर कोई शख्स जमात में सफ के दरमियान में खड़ा है और वहां उसका वजू टूट गया है तो अब उसको खड़ा नहीं रहना चाहिए, चाहिए कि वो कहे जी, जी मैं अगर से, यहां से, यहां से पीछे हटूंगा तो लोग तो लो तो लो क्या, क्या कहेंगे गेंगे? ऐसा, ऐसा हरगिज नहीं, नहीं, नहीं है नमाज के बगैर नहीं होती ये गुनाह है तो तरीका कार ये है कि एक तो तरीका ये है कि वो पूरी की पूरी उस सफ के राइट या लेफ्ट निकल जाए और दाएं बाएं पूरी सफ के लोगों के आगे से गुजरता हुआ वो पीछे निकल जाए वही खड़े खड़े अगर उसका वजू टूटा है तो उसी हाल में वही से पीछे निकलेगा अब पीछे की तरफ निकलेगा तो अगर पीछे दो सफे हैं तीन सफे हैं तो टोटली वो दो या तीन लोग डिस्टर्ब होंगे वहाँ, वहाँ वो पीछे, पीछे निकलता निकल हुआ बाहर, बाहर निकल जाएगा, जाएगा और उसका तरीका ये है कि वो अपने नाक पे हाथ रख लेगा।, लेगा अपने, अपने, अपने नाक पे, पे, पे हाथ रख के ले, जिन लोगों को इस मसले का पता होगा वो उसको रास्ता भी दे देंगे और निकलने की जगह भी दे देंगे और कई लोगों को इसके बारे में मसले का पता नहीं होगा तो वो कहेंगे इसको पता नहीं क्या हो गया है क्यों निकल के जा रहा है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें जहन में आती हैं तो मसले, मसले का पता, पता होना दोनों को, दोनों को जरूरी को है जो, जो खड़े हुएगा शरीक हो जाएगा और अगर कोई रकत रह गई है उसको उसको भी उसको वो तो वो कंप्लीट करेगा एक दो सूरज यह है कि अगर किसी मुखदीप का वजू दौरान नमाज या दौरान जमात जुटा है तो उसका तरीका कार होगा होगा और दूसरी सूरज ये है कि अगर खड़े हुए इमाम का वुजू वज़ु टूट जाए इमाम, इमाम भी आखिर इंसान तो है, है। भी वो भी मस्ल्ला रसूल पे खड़ा है, है। उससे भी गलती को तहाई सरजाद हो सकती है और ये तो ऐसी गलती है जो सहवन नहीं होती इंसान से मिस्टेक हो जाती है या कभी ऐसी गलती कर बैठता है वुजू टूट गया हवा खारिज हो गई इमाम की तो अब ये बड़ा मसला बड़ा حساس है कि इसका तरीकाकार क्या होगा अब جماعت खड़ी है इमाम, इमाम साहब जमात करवा रहे हैं, 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 और, हैं और उनका वजू टूटा है तो पीछे बकिया, जमाद जमाद ये मुकतिय ये मुकतिय लोगों, का लोगों का मसला क्या होगा महलरी वेरे और बहुत सारे ऐसे अहबाब आकर खड़े हो जाते हैं जो अपनी चौधराहट को दिखाते हैं की जी हम इमाम के पीछे आकर खड़े होते हैं और पांच वक्त की नमाज यहाँ पढ़ेंगे या पढ़ते हैं और उनको, उनको, उनको सिरे से दीन के मुताल किसी, किसी मसले की, की खबर तक नहीं होती अब अगर अब ऐसा मसला, मसला पेश, पेश आ जाता, आ जाता है, है तो वहां, वहां पर वो इमाम साहब के लिए भी पे एक आजमाइश और इम्तिहान है और पीछे खड़े होने वालों के लिए भी इम्तिहान है लिहाजा इमाम साहब के पीछे कम अज कम पीछे सब में एक दो बंदे इमाम साहब के बिल्कुल पीछे ऐसे खड़े होने चाहिए जिनको शरीयत, शरीयत के, के बुनियादी जरूरी इल्म इल्म तो जब जब पीछे खड़ा होगा उसे तो, मसले का पता होगा, तो उसके, उसके लिए भी मसला नहीं, नहीं होगा और इमाम, इमाम साहब के लिए भी परेशानी का बायस नहीं बनेगा जो ही इमाम साहब का बुजुर्ग टूटा इमाम साहब वहाँ उसी तरह नाक पे हाथ रख के सबसे बिल्कुल कुछली जाने वापस निकलेंगे पीछे और जो इमाम साहब के, के बिल्कुल पीछे शख्स खड़ा होगा पहली सब, सब में वो, वो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि इमाम साहब का वजूट है वो शख्स आगे इमाम साहब की जगह आ जाएगा और जहाँ से नमाज हो रही थी वहीं से नमाज को कंटिन्यू करके कम्प्लीट कर देगा अल्लाह जाए अमल की तो फ़ीक